हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम ठीक ठाक से होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से बहुत ही इजी विजी सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। और हो सकता है ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि बहुत सारा आप लोग प्यार दे रहे हो, बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। सो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो कुछ करती हूँ मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। सो आज यहाँ पे देखिए, मैंने ये वाली नेट की सीक्वेंस में साड़ी पहन रखी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और आज मैंने कुछ अलग तरीके से चूड़ी वेयर की है। पहले तो लगा मुझे मैचिंग मैचिंग पहन लूँ, मैंने कहा नहीं, आज मैं सतरंगी चूड़ी पहनूंगी, यानी मिक्स एंड मैच करके, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं पहनी थी, बट बहुत खूबसूरत लग रही है ना। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज मैं सबसे पहले लगा रही हूँ गुलाब जल। जैसा मैंने बताया कि आप कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हो, लेकिन अभी आप जब मार्केट में जाओगे ना तो आपको बस यही वाले गुलाब जल मिल रहे हैं, स्प्रे वाले। बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा है, क्योंकि जो मेरा काम है वो मुझे तो करना पड़ेगा ही ना, आप सभी को बताया। और इस समय मेरे घर का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है, पापा जी की मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा है। और यहाँ पर ये देखिए, मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर, और इसको इस तरीके से स्प्रे कर लूँगी। अगर आपके पास बॉटल वाला है तो आप कॉटन की हेल्प में ऐसे डिप करिए और लगा लीजिए। और गुलाब जल सभी के पास मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ना मिले, है ना। जल्दी जल्दी से बताइए मिलता है कि नहीं। मिल जाता है ना, तो बस इसको हम लगा लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। यहाँ पर अभी हमने ली है विटामिन ई की कैप्सूल, तो हम इसको निकालेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इसको हम थोड़ा सा पिनअप करेंगे, बस हल्का सा। और गर्मी का टाइम है, आपको ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। ये मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपके फेस पे थोड़ा सा ग्लो आए, और ये सीरम का भी काम करता है बहुत अच्छा। आप इसे नाइट में भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल में मिक्स करके और बादाम ऑयल डाल लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा आपके फेस पे ग्लो देगा, स्किन को फेयर भी करेगा। आप देखो थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करूँगी इस तरीके से, ये देखो इतना, और पीछे जा रहा है। तो बस इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और अपने पूरे फेस पे अच्छे से ही लगा लेंगे। और आपको पता है मैं मेकअप कर रही हूँ, यहाँ आओ, यहाँ यहाँ यहाँ, और बच्चे लोग यहाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, मुझे नहीं, जल्दी आओ, इसको अच्छे से लगा लेंगे, मेरा बाबू मुझे परेशान कर रहा है। मैं इसको छोड़ा हूँ, वरना ये मुझे ऐसे परेशान करेगा। आओ यहाँ, यहाँ बताए बाबू। इसको लगा के कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए हमारी स्किन में। सो बस इसको लगा के अच्छे से ही कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हमारी स्किन में ड्राई हो जाए, देखिए। और मैंने इतना सा लगाया है ना कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि चिपचिपापन देगा, अजीब सा लगेगा, नहीं, बिल्कुल लाइट वेट है। दो बूंद आपको डालना है, जब आप एलोवेरा जेल डालोगे तो फिर बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं देगा, अगर आप ज़्यादा लोगे तो फिर ये चिपचिपापन देगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको चिपचिपी चीज़ों से इरिटेटिंग है तो आप मत यूज करिएगा, सिर्फ एलोवेरा जेल यूज कर लीजिएगा बस। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी। सो अभी मैं क्या ले रही हूँ, शिव सिटी का फाउंडेशन। आज मुझे एक मक्खी बहुत परेशान की है, तो शिव सिटी का फाउंडेशन ले रही हूँ। इसमें प्राइमर ऑलरेडी मिला हुआ है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को मतलब जो होता है ना, जिन्हें मेकअप करना नहीं आता, जिन्हें ABCD भी नहीं पता कि क्या लगाना क्या नहीं लगाना, तो सबसे पहले आप गुलाब जल लगा लीजिए, क्योंकि जिन्हें मेकअप करना नहीं आता है तो फिर अगर मैं उनको बोलूँगी या फिर मेकअप सेटिंग सॉरी सबसे पहले आप टोनर लगाओ, सीरम लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, प्राइमर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, तो आप लोग एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने कहा जिन्हें मेकअप करना नहीं आता उन्हें मैं शॉर्ट में बताऊंगी, जो कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हो। फिर इसके बाद जो मैं मेरी सेकंड वीडियो जाएगी ना इसके बाद वाली, तो फिर अगर आप ये कर लोगे ना तो सेकंड वीडियो आप देखोगे ना तो फिर आराम से कर लोगे। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। सो आप लोगों के लिए आई होप हेल्पफुल हो, और हेल्पफुल होगी भी। और आज मेरा बाबू बहुत परेशान किया, चीपू चीपू करता आ गया, ये दिखाती हूँ आपको, जाओ बाबू। अब मेरा बैकग्राउंड, मेरे बैकग्राउंड को लेके माइंड मत लीजिएगा, सब कुछ मैं ऐसी है, ये देखो आया, आज परेशान किया आज हमको ये। तो चलो बीस बीस में आज मुझे बहुत कट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। सो चलो
तो यहाँ पर मैंने लिया है सिस ब्यूटी का फाउंडेशन और मैं भूल जाती हूँ इसी वजह से। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी स्टेप बताऊँगी, एक मिनट अब ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत इजी स्टेप बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं वही वाला गुलाब जल ले रही हूँ और एक ब्रश मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, ये पफी ब्रश से आपको ब्लेंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, सिर्फ फ्लैट ब्रश, और उसको अच्छे से मैंने गीला कर लिया है और हैंड पीस को इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल लाइट वेट फाउंडेशन यूज करना है। इसमें ऑलरेडी प्राइमर मिला हुआ है, सॉरी सेड बताना भूल गई। तो ये है सिस ब्यूटी का फाउंडेशन जिसमें प्राइमर ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ज्यादा स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते हैं, सा क्या कीजिएगा, बस आप लगाइएगा गुलाब जल और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा, कोई भी निविया की क्रीम या कोल्ड क्रीम, फ्रूट क्रीम आती है 10 वाली, आप वो ले लीजिएगा और फिर इसके बाद ये वाला फाउंडेशन आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। शेड मैं आपको बता देती हूँ, शेड जो है मेरा 06 है और वर्म हनी, ये देखिए इस तरीके से है। तो ये थोड़ा सा मेरी स्किन से मतलब लाइट है, क्योंकि अभी थोड़ी सी मेरी स्किन जो है ना बीच में फेयर हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा 19-20 होता रहता है ना, जैसे मैंने बताया डस्ट की स्किन वालों के साथ प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी अभी मैंने बातें कर ली। तो अब देखो 06 शेड है तो इसको मैं बिल्कुल लाइट वेट लगाऊंगी, थोड़ा सा है, आप इसमें चाहो तो 06 मेरा शेड है। तो बस सॉरी, ये देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ और मेरी स्किन टोन से जा रहा है, एक टोन लाइट है ये। तो इतनी क्वांटिटी मैंने ली है, 06 शेड है और इसको पहले ऐसे करेंगे, देखो इस तरीके से हल्का सा जहाँ पे मैंने ब्लेंड कर दिया, आप देखो ज़्यादा लाइट नहीं है। तो बस आपको सबसे पहले आई पे इस तरीके से अब देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊँगी, बस इस तरीके से करना है। जैसे आप पेंट करती हो ना, पेंट वाला होता है ना, समझ लो पेंटिंग अगर आपने ली है, सॉरी पेंटिंग अगर आर्ट आपने ली है, आर्ट तो आप कर लोगे ना एक तरफ से, पोता ही समझ लो क्या क्या बोल जाती हूँ, तो बस वही समझ लो आप, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ध्यान देना है कि इधर ना फैले उधर ना फैले, बस बराबर से आपको लगाते हुए चले जाना है। तो बस इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो हल्का सा तरीके से आपको लगा लेना है। अगर आप ब्रश नहीं यूज करना चाहते तो फिंगर भी यूज कर सकते, बट आपके लिए ये इजी रहेगा, फिंगर भी ये भी, जिससे आपको इजी लगे आप उससे लगा लीजिएगा, देख सकते हो बिल्कुल लाइट वेट है। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको लेना है, आप देख सकते हो, इसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, बस अगर आपको कहीं ज़्यादा कहीं कम लगे वहाँ पे अच्छे से लगा लेना है, जैसे मैं लगा रही हूँ सेम वैसे ही। और कवरेज दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पार्टी मेकअप नाइट मेकअप है ये, तो थोड़ी सी कवरेज दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्राइमर जैसे मैंने बताया कि इसमें मिला है नेक पर, ऐसे जो हमारे ब्रेस में लगा उसी से हम लगा लेंगे। अभी हम फेस पे और लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा नेक पे और लगाएंगे। सो बस इस तरीके से हल्के हल्के से हम ब्लेंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे, ये देखिए नेक पे फेस पे थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो बस अब आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपने फिंगर से आपको अप्लाई कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रश होते हैं ना वो अजीब सा ब्रश सा निशान छोड़ देते हैं, बट मेरा जो ब्रश है वो नहीं छोड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के ब्रश जो होते हैं ना तो फिर निशान छोड़ देते, और मेरा आप देखो कितना स्मूथ अच्छे से इसने ब्लेंड किया है। तो अभी हम दोनों साइड अच्छे से ही लगा लेंगे, जहाँ आपकी डार्कनेस हो आप वहाँ भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये देखिए थोड़ा सा लेके हम अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे एक्स्ट्रा निकालते हुए इस तरीके से। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट लेके अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी, और मैं ब्रश से कर रही हूँ, आप फेस पाउडर में जो होता है ना उसी से कर लीजिएगा। देन हम लगा रहे हैं लैक्मे की आईब्रो पेंसिल, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और लैक्मे की आईब्रो पेंसिल कोई भी हो, पिगमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सको। सो बस इसीलिए मैं आईब्रो पेंसिल हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं। मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ये देखो।
सो बस यहाँ पे हम काजल फटाफट से लगा लेंगे, जो अभी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है इस टाइम का, तो दोनों ही आई में अच्छे से लगा लेंगे। हमने बिंदी लगा ली है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर जो है ADS का, ये 10 रुपीस में लोकल मार्केट में ऑनलाइन में मिल जाता है। लिपस्टिक और शेड मेरा है 11। यहाँ पे अभी हम लगा रहे हैं ब्लू हेवन की लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है। सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लेना चाहते हो सो ले लें। आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा शेड है और कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। ऐसे मेकअप इस तरीके से रखना, वो ऐसे भी रख सकता है। देन हम यहाँ पे एक जेल लाइनर ले रहे हैं अगर आप चाहते हो तो, वरना ये जो है ना ये पूरा फाइनल है। इसके बाद जो मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी आप देख लेना, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स बताऊंगी जिससे आपका आई जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो आपको यहाँ पे लेना है एक जेल लाइनर, ये देखिए ये है मेरा जेल लाइनर, पर मैंने एक ब्रश ले लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आपको थोड़ा सा लाइनर लेना है इस तरीके से, और इस लाइनर को लेके हल्का हल्का सा यहाँ पे स्मच करना है। ये देखो इस तरीके से स्मच कर लेना हल्का हल्का सा, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। एकदम हल्के हल्के से स्मच करना, ज़्यादा नहीं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ देख रहे हो। ये देखो बिल्कुल हल्के हल्का सा स्मच करना, ज़्यादा नहीं, और ये ऐसा नहीं कि खराब लगेगा। बस इस तरीके से स्मच कर देना और आप लुक देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। और सेम इसमें भी ऐसे ही करना है इस तरीके से, और ये थोड़ा सा आपका जैसे स्मोकी आई होती है ना उस टाइप का हो जाएगा, बहुत खूबसूरत दिखेगा। से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखो अब हमें क्या करना है, हाफ एंड हाफ का पैलेट लेना है, ये इस तरह से मिलता है। ये देखो आप, ये है हाफ एंड हाफ का पैलेट और इसमें बहुत सारे कलर अच्छे मिल जाते हैं। सो आपको यहाँ पे एक कलर पिक करना है, तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर पिक कर रही हूँ, ये देखो फिंगर की हेल्प से बस, और अपने इसी पे हम लगा लेंगे। ये देखो जैसा मैंने बताया ना, ये बिल्कुल ऐसा है स्किप करना है आपको, अगर आपको ये नहीं आता तो स्किप कर देना, इतना ज़्यादा ईजी है, शायद ही कोई बता रहा हो आपको, बहुत ईजी है यार। एक बार आप करो ना, अब ये मैं सचू नहीं नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, एक बार करो तो यार करने में क्या जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने डार्क ब्लैक इसलिए कर लिया क्योंकि हमारी जो लाइट कलर की साड़ी है उसके साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। आप देख लो, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप देखो कितनी ईजी से हो गया और कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैं आपको इधर भी वैसे ही करना है, ये देखो सो बस इस तरीके से आपको कर लेना है। और कोई भी लाइनर यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी, आप भी स्किप कर दीजिएगा, लाइनर कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप इस तरीके से आई शैडो लगा लेंगे बहुत खूबसूरत दिखेगा, है ना। और अभी हम क्या हो जाते हैं, जी हाँ रेडी वेडी। तो अभी देखो मैं ज्वेलरी क्या डालती हूँ, अभी मेरा कुछ डिसाइड नहीं है, सब कुछ रेडी होकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। अभी मुझे सिंदूर लगाना है, इयररिंग्स पहनना है, सारी चीज़ें करनी है, तो सब कुछ कर लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो ये रहा हमारा पूरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल से इयररिंग्स पहनी है और जो मैं मंगलसूत्र डेली डालती हूँ वो मैंने डाला हुआ है, और आज मुझे एक मक्खी बहुत परेशान कर रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को टीका लगा के भी दिखा दूँगी, और आप लोगों ने जूड़े की रिक्वेस्ट की थी तो यहाँ पर मैंने जूड़े की हेयर स्टाइल यानी कि बना ली है, वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, इसके बाद ही जाएगी। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरा जो जूड़ा है वो बस 2-3 मिनट में मैं बना लेती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, आप इजी तरीके से बना सकते हो। तो और हाँ, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति मेकअप ऑफिशियल, और मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है प्रीति मेकअप ब्लॉग चैनल, जैसा मेरे इस चैनल का नाम है इंस्टाग्राम दूसरा चैनल सब सेम है, प्रीति मेकअप इंस्टाग्राम प्रीति मेकअप ऑफिशियल, ब्लॉग चैनल प्रीति मेकअप ब्लॉग चैनल बस। तो कैसा लग रहा मेरा लुक बताइएगा ज़रूर, और
आप इसे हमेशा कर सकते हो, जैसे आप कहीं मतलब आपकी नई नई शादी हुई है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सिंपल सोवर सा मेकअप लुक है। आई मेकअप आप हटा सकते हो, स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं करना है तो। यहाँ पर ये देखो मैंने टीका लगा के भी दिखा दिया, अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो आप इस तरीके से टीका लगा सकते हो। करवा चौथ है, दिवाली है, आने वाली है, तो आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। और आप लोग मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट के थ्रू सजेस्ट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली अगर आपको कुछ पूछना है। सो चलो मिलती हूँ आप लोगों से अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।